शिवरा में। गिरा पन्ना देखे ना, गिरा पन्ना उससे बाहर निकलेंगे सामने रिलायबल है, एक बहराम आ जाता है, इधर जाता है मेगा मॉल साइड राम भाई सर। हाँ जी भाई, फिल्म अभिनेता से नेता बने, चुनाव जीतने के बाद पहली बार समूह में आ रहे हैं, आपका स्वागत है। क्या मुद्दे हैं, क्या कहना चाहेंगे, इतने अच्छे तरीके से आपका स्वागत किया गया। चलिए पहले तो मैं मुंबई वालों को धन्यवाद दूंगा, और मुंबई में ये हमारे जो भोजपुरी जो बाबा हुए हैं हमारे, समीर भाई नागपुर से आए हुए हैं, समीर भाई हैं, सबका मैं धन्यवाद देता हूं। और जहां तक रही बात भोजपुरी की, और भोजपुरी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। जब मैं नगर का मेयर था तो उसमें मुझे भोजपुरी कलाकार में नहीं था, जब मैं मेयर बनने के बाद मैं भोजपुरी कलाकार बना, और मेरे जेहन में मेरे पूरे अंदर में भोजपुरी भरा हुआ है, कलाकार भरा हुआ है, और निश्चित तौर पर भोजपुरी के लिए बहुत अलग रूप में हम पकड़ने जा रहे हैं। और आपके साथ फिर बैठक होगी, और एक डेलीगेट हमारा माननीय मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करने जा रही है, जिससे हम लोग बहुत सारे मुद्दे पे बात करने वाले हैं भोजपुरी से संबंधित। और जो भोजपुरी के बारे में जो लोग का धारणा है, आने वाले 2016 में मैं कुछ जरूर चेंज करूंगा, और बहुत कुछ चेंज होने वाला है। आज जो इंडस्ट्री बहुत नीचे गिरी हुई है, आप शुरू से ही लड़ते आ रहे हो इंडस्ट्रीज के लिए, कई सारे MLA बने हैं लेकिन अलग अलग पार्टियों को वादा किए, कुछ किए नहीं, आप क्या करने वाले हैं? क्या हूँ, हनुमान तो हूँ नहीं, सीना चीर के दिखा भी नहीं सकता, थोड़ा वेट करिए, अभी तो जुम्मा 8 दिन हुआ है, और निश्चित तौर पे आपको भोजपुरी अलग दिखेगा। और भोजपुरी को जो जिस तरह सोचते हैं हम लोग, जो अदर स्टेट के लोग भोजपुरी में जो सोचता है, निश्चित तौर पे ही मैं बदलाव करने वाला हूँ। हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, महागठबंधन का सरकार जो लालू जी के समर्थन से, तो निश्चित तौर पर एक बिहार अलग है। और लोग जो बिहार के बारे में गलत सोचते हैं कि बिहार में ये वो, ऐसा कुछ नहीं है, आप बिहार आकर देखिए तो सही है। बिहार के लोग बड़ा प्यारे होते हैं, बड़ा सम्मान, बड़ा इज्जत करते हैं, आप सिर्फ आना ही स्टार्ट करिए, देखिए बिहार बदला हुआ नजर आएगा आपको। यहाँ पे कुछ चर्चा मीटिंग करने वाले इंडस्ट्रीज के कुछ बातें होंगी, बहुत सारे हमारे जो इंडस्ट्रीज के लोग, रवि कश्यप साहब हैं, डायरेक्टर हैं, अखिल तिवारी जी भी आए हुए हैं, बहुत सारे कलाकार हमारे आए हुए हैं, हमारे भोजपुरी से जुड़े हुए सब लोग हैं, तो निश्चित तौर पर बैठ के हम लोग बातें करेंगे, और एक नया आयाम भोजपुरी के लिए अलग होगा। इस बार का 2016 जो आने वाला है नया साल, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लिए एक अच्छा मैसेज देगा, और निश्चित तौर पे महागठबंधन सरकार जो है एक अच्छा मैसेज देने के मूड में है, तो थोड़ा सा उसको हम लोग रखते हैं सस्पेंस में, खोलते हैं ना फिर वो नया साल में। एक और जो हमारे भोजपुरी सिनेमा से भोजपुरी माटी से जुड़े हुए हैं, हमेशा एक दर्द है भोजपुरी भाषा को 8वीं सूची में शामिल करना जी, अभी आपकी सत्ता है बिहार में, क्या कर रहे हैं? निश्चित तौर पर शायद 31 मार्च को कुछ नया दिखेगा, और मार्च में भोजपुरी को शायद एक नया 8वां जो स्थान बोल रहे भाषा का वो मिलने वाला है, और निश्चित रूप उसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे, और संघर्ष हमारी सरकार कर भी रही है, नीतीश कुमार जी भी कर रहे हैं, हमारे लालू जी भी कर रहे हैं, हमारे महागठबंधन के सारे लोग कर रहे हैं कि भोजपुरी को 8वां स्थान मिले, 8वां जगह मिले। जो दूसरी बात बता करिए, आप फिल्मों में भी वापस आए जो पर्दे पर नजर आएंगे? 100% देखिए कलाकार क्या होते हैं, कलाकार दिल के सच्चे होते हैं, अपना दिल के प्यारे होते हैं, और हम लोग एक मैसेज तो समाज में छोड़ेंगे ना, नेता जरूरी नहीं कि नेता गलत नहीं होता है, आपकी धारणा आपकी सोच गलत होगी, आप जैसा सोचेंगे, जैसा चेहरा पे आईना देखोगे ना, जैसा आप कपड़ा पहनेंगे, जैसे चेहरे पे आप मेकअप करोगे ना, उसी तरह आपको आईना में भी चेहरा अपना दिखने वाला है, तो आप उसके बारे में अच्छा सोचेंगे तो जो अच्छा दिखेगा आपको। भोजपुरी समाज से 100% की भोजपुरी समाज ने हमें आज सम्मान दिया, और मुंबई में भी आज हमें जो सम्मान मिला, मैं इसका बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने दोस्तों का, अपने भोजपुरी कलाकारों का, और निश्चित तौर पे भोजपुरी माटी, भोजपुरी भाषा मेरा है, कभी छोड़ नहीं सकता, उसी मिट्टी से आता हूँ। एक और